दोस्तों आज हम आपको बताएंगे एक चौंकाने वाली घटना। जी हां, हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी वाराणसी में एक शिवलिंग मिला है जिसे देखकर वहां का पूरा प्रशासन हिल चुका है। और क्या है इस शिवलिंग के पीछे का रहस्य, आज की इस खास वीडियो में हम यही जानेंगे। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे और ऐसे ही हम आपको घर बैठे बैठे ही मंदिरों के दर्शन करा सके। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो नहीं किया है तो अभी इंस्टाग्राम पर जाए और मंदिर दर्शन को फॉलो अवश्य करें क्योंकि वहां पर भी आपको मंदिरों से जुड़ी तमाम जानकारियां मिलती रहती है। YouTube हो, Facebook हो या फिर हो Instagram, हर जगह आपको मिलेगी मंदिर की बाहर। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जब वाराणसी में खुदाई के दौरान एक शिवलिंग मिला। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये शिवलिंग हजारों साल पुराना है। सोचिए, हजारों साल पुराना शिवलिंग दोबारा मिल चुका है। दरअसल उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी वाराणसी में एक शिवलिंग कौतूहल का विषय बना हुआ है। वाराणसी के दशवामेघ घाट पर खुदाई के दौरान लगभग 7 फीट नीचे ये शिवलिंग का विग्रह मिला है। विग्रह उल्टी दिशा में है और विग्रह का लिंग मिट्टी के अंदर दबा हुआ है। फिलहाल शिवलिंग मिलने के बाद खुदाई का काम रोक दिया गया। वहीं क्षेत्रीय नागरिकों का कहना है कि ये शिवलिंग सैकड़ों साल पुराना है। वाराणसी में घाटों का सुंदरीकरण किया जा रहा था, यानी कि उनको अच्छा बनाया जा रहा था, जिसके अंतर्गत अलग अलग घाटों पर LED स्क्रीन और अन्य विकास के काम के लिए खुदाई की जा रही थी। ये खुदाई वाराणसी के दशवामेघ घाट पर चल रही थी। रोज की तरह आज भी मजदूर खुदाई कर रहे थे। तभी दशवामेघ घाट के जल पुलिस चौकी के नीचे लगभग 7 फीट खुदाई के बाद एक शिवलिंग का विग्रह दिखाई दिया, जिसके बाद इसे निकालने की कोशिश की गई लेकिन शिवलिंग नहीं निकला। अंत में मजदूरों ने खुदाई रोक दी और आला अधिकारियों को सूचना दे दी। वहीं दोस्तों इसे लेकर कहा जाता है कि सैकड़ों वर्ष पुराना है ये खास शिवलिंग और गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि ये शिवलिंग सैकड़ों वर्ष पुराना इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि दशवामेघ घाट सबसे पुराना घाट है। ये पुराने समय में ही पक्का घाट बन गया था। राजा महाराजाओं ने इस घाट को पक्का घाट बनाया था और ऐसे में घाट की सीढ़ियों पर 7 फीट नीचे इस शिवलिंग का मिलना इसके प्राचीन होने का पुख्ता सबूत है। हालांकि दोस्तों पुरातत्व विभाग से जांच कराने के बाद इसकी प्राचीनतम का अंदाजा लगाया जा सकता है। शिवलिंग मिलने के बाद क्षेत्र में यह शिवलिंग कौतूहल का विषय अभी तक बना हुआ है। लोग दूर दूर से आकर इसे देखते हैं। आपको बता दें ये वही दशवामेघ घाट है जहां की गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध कही जाती है और देश विदेश से लोग यहाँ आकर गंगा आरती को देखते हैं। खैर अब देखना यही होगा कि पुरातत्व विभाग शिवलिंग के बारे में क्या जांच पड़ताल करता है और क्या निष्कर्ष निकालता है। हाल फिलहाल के लिए मंदिर दर्शन की वीडियो में सिर्फ आज इतना ही। वीडियो अगली बार जरूर देखें, उसके लिए YouTube में हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और Instagram पर कीजिए फॉलो। तो दोस्तों मंदिरों से जुड़ी जानकारियां आपको अवश्य ही प्रतिदिन मिलती रहेंगी। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मंदिर दर्शन।